वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पास्ट एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2016 के अटैम्प्ट से बेसिक कंसोलिडेशन के टॉपिक पे, और इस क्वेश्चन का टाइटल है ऑस्कर लिमिटेड। सो क्वेश्चन का जो डाटा है वो देखते हैं। समराइज ट्रायल बैलेंस दिए हुए हैं ऑस्कर लिमिटेड एंड यूनाइटेड लिमिटेड के। एज एट 31 दिसंबर 2015 आर एज फॉलोज। अब अगर हम ट्रायल बैलेंस को देखते हैं तो दोनों एंटिटीज़ का हमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और टैक्स एक्सपेंस गिवन है। उसके बाद शेयर कैपिटल, प्रीमियम, रिटेन अर्निंग, हमें ओपनिंग डीवीएस का मतलब है कि ऊपर जो डाटा है उससे हम करंट लाइबिलिटीज, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इन बैंक। तो कंप्लीट ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें प्रॉफिट और लॉस का डाटा काफ़ी आप कह सकते हैं कि समराइज फॉर्म में है। एडिशनल फॉर्मेशन है कि ऑन 1 मई 2015 ओएल एक्वायर्ड 80% शेयर्स ऑफ यूएल। तो अगर हम ईयर एंड नोट करें तो ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर का है और एक्वायर किया है 1 मई 2015 को, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक्वायर किए हुए अभी हमें 8 months का टाइम हुआ। UL has not recognized the value of brand in its books of account at the date of acquisition. Fair value of brand was assessed at 45 million. The remaining useful life of the brand was estimated as 15 years. तो इसका तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से ताल्लुक है, वो हम वर्किंग टू में कर देंगे। सेकेंड पॉइंट है कि UL charged ₹2.5 million monthly to UL for management services provided from the date of acquisition and has credited it to operating expense. तो एक एंटिटी ने इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेबिट किया होगा, एक ने क्रेडिट किया होगा, तो कैंसिल तो होनी चाहिए वैसे, लेकिन कैंसिलेशन का इम्पैक्ट भी निल होगा। थर्ड है, ऑन 1 अक्टूबर 2015 यूएल सोल्ड अ मशीन टू ओएल फॉर 24 मिलियन। द मशीन हैड बीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2013, यानी 2 साल हो चुके थे परचेज किए हुए 26 मिलियन की। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द मशीन वॉज असेस्ड एज हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स एंड दैट एस्टिमेट हैज नॉट चेंज। तो वो एस्टिमेट जो है वो चेंज नहीं हुआ। गेन ऑन डिस्पोजल वॉज एरेनसली क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। तो गेन ऑन डिस्पोजल अदर इनकम में रिकॉर्ड होना चाहिए लेकिन वो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, एक तो ये करेक्शन करनी है। दूसरा ये कि इसमें से अनरियलाइज जितना गेन होगा वो भी हम रिमूव कर देंगे। फोर्थ है, अदर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2015 वर एज फॉलोज। तो ओ एल टू यू एल जो सेल्स है उसमें से इन्वेंट्री में कितनी शामिल है और 25% ऑफ कॉस्ट जो है इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। उसके बाद यू एल टू ओ एल भी 30 की है, इसमें 5 की इन्वेंट्री है और 20% ऑफ सेल्स। तो एक में मार्कअप, एक में मार्जिन की इन्फॉर्मेशन है। UL settled the intercompany balance, यानी settle कर दिया, zero कर दिया as on 31 दिसंबर 2015 by issuing a check of ₹30 million, यानी उनका payable होगा, उन्होंने check issue किया, payable zero हो गया। However, the check was received by OL on 1 जनवरी 2016, तो cash in transit का issue आ जाएगा, तो इसको impact को note कर लेंगे। Fifth point है कि the non-controlling interest is measured at the proportionate share of UL's identifiable net asset, यानी partial goodwill है। फिर ये बताया हुआ है कि इट मे बी अज्यूम दैट प्रॉफिट्स ऑफ बोथ कंपनीज हैड एक्रूड इवनली ड्यूरिंग द ईयर। ये हमें इसका मतलब है कि जो सब्सिडरी की फिगर्स हैं, क्योंकि 8 मंथ हुए हैं एक्विजिशन को, तो उस हिसाब से 8/12 करके हम फिगर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एज एट 31 दिसंबर 2015। सो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो जब हम आंसर डेवलप करेंगे तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बना लेते हैं। एंटिटी का नाम है ऑस्कर लिमिटेड, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। तो इसमें जो जो हमारे आइटम्स आएंगे उनको हम साथ के साथ नोट करते जाएंगे। टिपिकली जो आइटम्स हैं उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं, यानी हमें एक तो रेवेन्यू की फिगर चाहिए होगी, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स की, इसको नेट करेंगे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। उसमें फिर हमें ट्रायल के अंदर दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और क्योंकि गेन ऑन डिस्पोजल गलत रिकॉर्ड हुआ है वो बताया हुआ था, तो अदर इनकम राइज होगी। फिर हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, क्वेश्चन में टैक्स भी दिया हुआ है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर हम जो है प्रॉफिट की
एट्रीब्यूशन भी कैलकुलेट कर लेंगे, और साथ के साथ हम एक वर्किंग बेसिकली बनाते हैं विच इज एनसीआई शेयर इन प्रॉफिट, तो इसको भी हम देख लेंगे। तो ब्रीफ फॉर्मेट हमने स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम का बना लिया, इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का फॉर्मेट बनाते हैं, ऑस्कर लिमिटेड कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और एज एट 31 दिसंबर 2015 हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम इसमें नॉन करंट एसेट्स को रिफ्लेक्ट कर देंगे, उसके बाद करंट एसेट्स को, फिर इक्विटी को, और फिर क्योंकि ट्रायल में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो फिगर है सिर्फ करंट लाइबिलिटीज की दी हुई है रिटेन अर्निंग के नीचे और कोई लाइबिलिटीज नहीं बताई हुई, तो हम डायरेक्ट करंट लाइबिलिटीज पर चले जाते हैं। तो एक ब्रीफ का फॉर्मेट ये बनाने के बाद वर्किंग की तरफ चलते हैं। हमारी पहली वर्किंग होगी ग्रुप स्ट्रक्चर, दूसरी वर्किंग होगी नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी के ऊपर, तीसरी वर्किंग जैसे हम टिपिकली बनाते हैं वो होगी गुडविल पर, फोर्थ वर्किंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पर, और फिफ्थ वर्किंग हम बनाएंगे ग्रुप रिटेन अर्निंग। तो इन वर्किंग्स को साथ बनाते हुए सबसे पहले जो हमें वर्किंग अपनी कंप्लीट करनी होती है वो ग्रुप स्ट्रक्चर की होती है, जिसके अंदर हम फाइव इंफॉर्मेशन जो हैं वो एस्टेब्लिश करते हैं कि सब्सिडरी का नाम क्या है, एक्विजिशन डेट क्या है, पेरेंट की ऑनरशिप कितनी है, एनसीआई की ऑनरशिप कितनी है, और गुडविल का मैथड क्या है। तो क्वेश्चन में ये सारा डाटा देखते हैं। सब्सिडरी का नाम यूनाइटेड लिमिटेड है, एक्विजिशन की डेट 1 मई 2015 है, पेरेंट का शेयर 80% है जिसका मतलब है कि एनसीआई का शेयर 20% होगा, और फिफ्थ इंफॉर्मेशन में बताया हुआ है कि पार्शियल गुडविल मैथड, क्योंकि प्रोपोर्शनेट शेयर को यूज करना। तो ये इंफॉर्मेशन हम नोट कर लेंगे, यूनाइटेड लिमिटेड एक्विजिशन डेट जो है वो 1 मई 2015 है, मिड ईयर में 8 मंथ हुए हैं, पेरेंट की जो ऑनरशिप है दैट इज 80%, एनसीआई की जो ऑनरशिप है वो है 20%, और पार्शियल गुडविल मेथड अप्लाई होता है। तो इस डाटा के साथ अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला स्टेप होता है फॉर्मेट और वर्किंग वन बनाना, दूसरा स्टेप हम जो फॉलो करते हैं वो ये करते हैं कि हम क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस या स्टेटमेंट्स का डाटा होता है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेल्स की फिगर को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। सब्सिडरी की जब फिगर लेंगे तो वो 8/12 करके लेंगे, तो रेवेन्यू सब्सिडरी की फिगर 8/12 करके, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और टैक्स है, ये सारी फिगर ले लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स पेरेंट की 525 और सब्सिडरी की 396 का 8/12, इसी तरह ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेरेंट के जो हैं वो 115 और सब्सिडरी के 102 हैं उनका 8/12, और टैक्स जो है दैट इज 65 और 48 है सब्सिडरी का, उसका हम 8/12 ले लेंगे। तो ये फिगर्स जो क्वेश्चन में गिवन थी इनको हमने मेंशन कर लिया। अब बाकी फिगर्स देखते हैं जिनका ताल्लुक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन से है। अच्छा, शेयर कैपिटल जो है वो पेरेंट का 600, इन दोनों को हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नोट कर लेंगे। इसके बाद जो है सब्सिडरी का शेयर कैपिटल और प्रीमियम, ये वर्किंग टू में जाएगा। और क्योंकि कोई चेंज नहीं है तो एक्विजिशन डेट पर भी हम सेम ले लें। उसके बाद पेरेंट की रिटेन अर्निंग दी हुई है, लेकिन इसमें हमने प्रॉफिट का इंपैक्ट भी शामिल करना है,
इसको इंक्लूड करते हैं, वर्किंग फाइव बनती है इस पर हमारी। तो जो पेरेंट की रिटेनिंग 1 जनवरी को गिवन है वो तो हम एज इट इज मेंशन कर देते हैं, और फिर जो प्रॉफिट है ड्यूरिंग द ईयर का वो भी ले लेते हैं जैसा गिवन है एडजस्टमेंट्स के बगैर, क्योंकि एडजस्टमेंट्स तो हम इससे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो 835 में से 525 की कॉस्ट ऑफ सेल, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस तीनों एक्सपेंस से लेस किए तो हमारे पास 130 की वैल्यू आ गई। तो जो प्रॉफिट गिवन है हमने वो लिया है, ये इनकरेक्ट प्रॉफिट है लेकिन हमने ये ले लिया क्योंकि करेक्शन हम बाद में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। सेम काम सब्सिडरी के साथ लेकिन वर्किंग टू में जाएगा। तो प्रॉफिट की ये फिगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे, 179 रिटेन अर्निंग है और फिर सेल्स और एक्सपेंसेस से प्रॉफिट ले लेंगे। तो वर्किंग टू में हम लिखेंगे जी रिटेन अर्निंग और प्री और पोस्ट भी फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो पोस्ट एक्विजिशन हमारी बनेगी, प्रॉफिट जो हमारा साल का है वो निकालते हैं, तो सेल्स में से अगर सारे आइटम्स निकाल देते हैं तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है 99 का, इसमें से 8 मंथ्स पोस्ट एक्विजिशन के हैं तो दैट इज 66। इसी तरह अगर हम प्री एक्विजिशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 179 ओपनिंग रिटेन अर्निंग गिवन है और जो 99 का प्रॉफिट है उसमें से 4 मंथ्स प्री एक्विजिशन टाइम में आते हैं तो उसको ऐड कर देते हैं इस 179 में, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बैलेंस आ जाता है 212। तो हमें यही फिगर्स जो हैं वो रिटेन अर्निंग के लिए मिल गई 212 और पोस्ट एक्विजिशन में 66, और इसका मतलब है कि टोटल मिलाकर जो हमारी रिटेन अर्निंग बनती है वो 278 की बनती है। और इसको एक अल्टरनेटिव वे में भी आप यूं कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो 179 की रिटेन अर्निंग दी हुई है इसमें 99 का प्रॉफिट ऐड कर दें तो तब भी आपके पास 278 डायरेक्ट आ जाएगा, लेकिन हम प्री और पोस्ट की फिगर में भी इंटरेस्टेड थे तो हमने इस अंदाज में वर्किंग की। अब हम जो फर्दर क्वेश्चन में डाटा है उसको देखते हैं। करंट लाइबिलिटीज गिवन है, उसके बाद प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो कि हम नॉन करंट एसेट्स में मेंशन कर देंगे, फिर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि वर्किंग थ्री में शो की जाएगी गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, फिर हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एंड बैंक, सो इनको सिंपली पेरेंट और सब्सिडरी की फिगर्स को ऐड करके लिख देते हैं। तो क्वेश्चन की सारी फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद अब हमारा जो स्टेप होगा वो ये होगा कि जितनी भी एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं उनको स्टेप वाइज हम इनकॉर्पोरेट करें। तो सबसे पहली जो हमारे पास एडिशनल फॉर्मेशन है उसको देखते हैं। तो पहला सेंटेंस तो ये है कि ऑन फर्स्ट मई 2015 ऑयल एक्वायर्ड 80% शेयर ऑफ यूएल, इसको हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं कि यूएल हैज़ नॉट रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ ब्रांड इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट, तो ये रिकग्नाइज होनी चाहिए अगर इसकी फेयर वैल्यू रिलायबल मैयर हो सकती है। एट द डेट ऑफ एक्विजिशन द फेयर वैल्यू ऑफ ब्रांड वाज असेस्ड एट ₹45 मिलियन, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द ब्रांड वाज एस्टिमेटेड एज 15 ईयर्स। तो ये सब्सिडरी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वर्किंग टू के अंदर, इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो 45 का आपका ब्रांड है जो एक्विजिशन डेट पर रिकॉर्ड होगा, फिर हम उसकी अगर अमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करते हैं 15 ईयर्स की लाइफ है, 8 मंथ्स का टाइम हुआ है सो दैट इज 2। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर जो नेट इफेक्ट है वो 43 का रह जाता है।
अब ये इम्पैक्ट जो है ये हम इनकॉर्पोरेट कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। और यहाँ पर एक तो हमारा आइटम गुडविल का आ जाएगा बाद में, लेकिन पहले हम ब्रांड मेंशन कर देते हैं। इसकी अगर वर्किंग शो करना चाहें यहाँ पे तो कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास 43 की वैल्यू स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट की ऑलरेडी कैलकुलेट हमने वर्किंग टू में कर ली है। इसके बाद क्योंकि हम प्रॉफिट और लॉस भी बना रहे हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर हमारे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होगी, जो अमोर्टाइजेशन बेसिकली, तो 2 की ये अमोर्टाइजेशन यहाँ चार्ज कर देंगे। इसके बाद ये जो इम्पैक्ट है, क्योंकि ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका ताल्लुक सब्सिडरी से है, तो एनसीआई के शेयर पर भी इफेक्ट पड़ेगा। अब एनसीआई का शेयर अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सिर्फ हमें पोस्ट एक्विजिशन की अमाउंट लेनी है, वर्किंग टू में हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट अमाउंट इज 66, यानी जो प्रॉफिट है 99 का, उसमें से 8 मंथ्स की अमाउंट 66 बनती है, यही मेंशन करेंगे। और इसमें से डेप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो नोट कर लेते हैं, जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से राइज हो रहा है। क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। ओएल चार्ज ₹2.5 मिलियन मंथली टू यूएल फॉर मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड हैज क्रेडिटेड इट टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब देखें, जिसने मैनेजमेंट सर्विसेज रिसीव की उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेबिट किया, और जिन्होंने सर्विस प्रोवाइड की वो अदर इनकम भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अदर इनकम नहीं बनाया, उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को क्रेडिट किया। तो अगर जब हम इस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करेंगे तो इसका नेट इफेक्ट नील ही होगा, क्योंकि एक जगह पे हम डेबिट को रिवर्स कर रहे होंगे और एक जगह पे हम क्रेडिट को रिवर्स करेंगे। कैंसिल हम इसलिए कर रहे हैं कि इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन है, तो इसको नोट कर लेते हैं। एट मंथ्स में 20 मिलियन बनता है 2.5 मिलियन के हिसाब से, तो 20 मिलियन की अमाउंट एक एंटिटी ने एक्सपेंस बनाई हुई है वो हम रिवर्स कर देते हैं, और एक एंटिटी ने क्रेडिट की भी है तो उसको रिवर्स करने के लिए हम ऐड कर देते हैं। तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट जो है वो निल ही है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते थे। इसका रिटेन अर्निंग वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन है, बैलेंस नहीं है। ऑन 1st अक्टूबर 2015 यूएल सब्सिडरी सोल्ड अ मशीन टू ओएल फॉर ₹24 मिलियन। द मशीन हैड बीन परचेज ऑन 1st अक्टूबर 2013, यानी 2 साल पहले डिस्पोजल से, फॉर 26 मिलियन। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द मशीन वॉज असेस्ड एज हैविंग अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स एंड दैट एस्टिमेट हैज नॉट चेंज्ड। और गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो गलती से सेल्ड अकाउंट में क्रेडिट हुआ। अब इस ट्रांजेक्शन के इम्पैक्ट के लिए पहले तो हम देखते हैं कि सब्सिडरी ने अनरियलाइज प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है, उसको हम एडजस्ट करेंगे। इसके लिए हम एक छोटी सी ब्रीफ वर्किंग बना लेते हैं 2.1, 2 के नीचे। तो पहले देखते हैं कि नेट बुक वैल्यू विद ट्रांसफर क्या होगी। 24 का एसेट ट्रांसफर किया गया है, और अब से 2 साल पहले जो है उसकी लाइफ देखी गई थी, दैट वाज 10 इयर्स। और वो एस्टिमेट अभी तक चेंज नहीं हुआ, तो इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। 24 को जब रिमेनिंग 8 ईयर्स से आप डिवाइड करेंगे और 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर तक की हम डेप्रिसिएशन लेंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 23.25। जबकि अगर ये ट्रांसफ़र ना हुआ होता तो 26 का एसेट परचेज हुआ था और अक्टूबर से भी 2 ईयर्स पहले हुआ था, तो टोटल लाइफ 10 ईयर्स थी और अक्टूबर तक 2 साल गुजर चुके थे, 3 महीने और गुजार लें तो यानी 0.25 ईयर मजीद गुजर चुका था। तो बेस्ड ऑन दैट हम कह सकते हैं कि उस पर 2.25 ईयर्स की डेप्रिसिएशन लेस हो जाती अगर ट्रांसफर ना हुआ होता, और वो एसेट शो होता हमारा 20.15 का, जिससे हमारे पास अनरियलाइज प्रॉफिट आना था 3.1 का। तो इस 3.1 के जो अनरियलाइज प्रॉफिट है इसको हमने एडजस्ट करना है सब्सिडरी ने, क्योंकि ये प्रॉफिट रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये पोस्ट एक्विजिशन में हम एडजस्ट कर देंगे।
अब इसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो बेसिकली कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, क्योंकि जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है उसके अंदर ये गेन शामिल है, वहाँ से हमें इसे एक्सक्लूड करना है। इसके बाद ये जो गेन है इसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर इफेक्ट लेना है। पहला जो इशू है वो तो ये कि इस गेन को सेल्स में रिकॉर्ड किया हुआ है, तो ये सेल्स में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा इशू है वो ये है कि इसका गेन रिकॉर्ड कहाँ होना चाहिए था, अदर इनकम में रिकॉर्ड होना चाहिए था। तो 3.2 का गेन रिकॉर्ड होता, लेकिन उसमें से 3.1 का अनरियलाइज तो हमने कैंसिल करना है, तो उसका इम्पैक्ट ये बनता कि हम नेट गेन जस्ट 0.1 का रिकॉर्ड कर रहे होते, जो कि एक्चुअली रियलाइज हुआ है और ड्यू टू डेप्रिसिएशन। इसके बाद चलते हैं आगे और क्वेश्चन में देखते हैं कि मजीद इम्पैक्ट क्या है। एक तो ये जो गेन है, क्योंकि ये सब्सिडरी का है, एनसीआई के शेयर पर भी इम्पैक्ट है, वो भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो फोर्थ इंफॉर्मेशन है अदर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2015 वर एज फॉलो। जो आपस की सेल परचेज हुई है वो 90 की हुई है, और 8 मंथ्स की अमाउंट बनती है 60। तो 60 की रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स को हम कैंसिल कर देंगे। टोटल 90 है, लेकिन 8 मंथ्स का क्योंकि कंसोलिडेशन हो रही है, तो कैंसिलेशन भी 8 मंथ्स की होगी। इसके बाद जो स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है उसके ऊपर हमें एडजस्टमेंट लेनी है। तो ओएल ने यूएल को सेल किया, यानी ऑस्कर ने यूनाइटेड को, तो इसमें पेरेंट सेलर है, ये वर्किंग फाइव के अंदर इंपैक्ट जाएगा, तो इस इंपैक्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। ट्वेंटी 5% मार्कअप है 20 मिलियन पे, दैट मीन्स 4। सेम अमाउंट हमें जो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एडजस्ट करनी होगी इन्वेंट्री के अंदर, और एक इम्पैक्ट इसका कॉस्ट ऑफ सेल्स पर जाए, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, यूएल ने ओएल को सेल किया, यानी यूनाइटेड ने ऑस्कर को, विच मीन्स के सब्सिडरी सेलर है, 5 की अमाउंट है, 20% ऑफ सेल्स यानी मार्जिन है, वर्किंग 2 इससे रेलिवेंट है, उसमें इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। फाइव का 20% सिंपली 1। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इंपैक्ट देखते हैं, इन्वेंट्री कम कर देंगे। इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स में इंपैक्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, और क्योंकि इसमें सब्सिडरी सेलर है तो एनसीआई के शेयर पे भी फर्क पड़ेगा। फिर ये बताया हुआ है कि यूएल सेटल्ड द इंटर कंपनी बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2015 बाई इशूइंग अ चेक ऑफ ₹30 मिलियन। हाउएवर चेक वाज रिसीव्ड बाय ओएल ऑन 1 जनवरी 2016। अब जिसने तो पेबल वाले ने पेमेंट की, उसने तो पेबल ऑलरेडी सेटल कर दिया, मतलब जीरो कर दिया, तो पेबल में तो अमाउंट शामिल नहीं है, रिसीवेबल में अमाउंट शामिल है। रिसीवेबल से निकालना होगा और कैश इन ट्रांजिट को रिकॉर्ड करना होगा, तो रिसीवेबल को कैंसिल कर देते हैं, पेबल तो ऑलरेडी जीरो हुआ है, और कैश इन ट्रांजिट को रिकॉर्ड करते हैं।
रिसीवेबल में से कैंसिल करेंगे और कैश इन ट्रांजिट रिकॉर्ड करें। उसके बाद ये बताया हुआ है कि NCI को मेजर करना है, प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ UL आइडेंटिफाइबल नेट एसेट पे, यानी पार्शियल गुडविल मेथड है, इसको हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। जब अभी NCI की फिगर्स हम लेंगे तो वहाँ पे हम पार्शियल वैल्यू इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन का डाटा था, इसको हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। तो अब टोटल्स की तरफ चलते हैं और वर्किंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो वर्किंग टू है इसको टोटल करते हैं। तो एक्विजिशन डेट पर हमारे पास टोटल आ रहा है 567, पोस्ट एक्विजिशन का टोटल आ रहा है 59.9 और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट पर आ रहा है 626.9। गुडविल के कैलकुलेशन के लिए जो NCI हमको लेनी है वो प्रोपोर्शनेट मेथड पर लेनी है, विच मींस के हम नेट एसेट एट एक्विजिशन का n परसेंटेज लेंगे, यानी 567 का 20%। तो ये फिगर हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं, 113.4, सेम अमाउंट वर्किंग फोर के अंदर भी आएगी। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए टोटल कर लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट और NCI की जो वैल्यू है एक्विजिशन पर, दैट इज 613.4 और जो उस दिन सब्सिडी के नेट एसेट्स थे एज पर वर्किंग टू वो 567 के हैं। तो इट मीन्स के हमारे पास जो गुडविल है वो आ जाएगी 46.4 जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो करेंगे। तो ये इन्वेस्ट हुआ हुआ था टोटल और ये नेट एसेट्स हैं, तो बाकी जो वैल्यू है 46.4 की वो गुडविल है। वर्किंग फोर में NCI का शेयर लेना है पोस्ट एक्विजिशन का, तो सिंपली उसमें n परसेंटेज वैल्यू ले लेंगे। तो पोस्ट एक्विजिशन जो है दैट इज 59.9 और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 20% को, सो दैट वुड बी 11.98 और टोटल हमारे पास आ जाता है 125.38। ग्रुप रिटेनिंग में बात करें तो पोस्ट एक्विजिशन का जो बाकी हिस्सा है वो पेरेंट का है, तो सब्सिडरी के पोस्ट एक्विजिशन का पेरेंट शेयर लेंगे, यानी 80% वर्किंग टू से, सेम अमाउंट जो हमने NCI के लिए यूज़ की थी 59.9, तो उसका 20% NCI को मिल गया और 80% पेरेंट को, दैट वुड बी 47.92। टोटल कर लेते हैं 438.92। तो ये जो वर्किंग थ्री फोर और फाइव की फिगर है इसे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इनकॉर्पोरेट करते हैं। सबसे पहले गुडविल 46.4, रिटेन अर्निंग्स वर्किंग फाइव से 438.92, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वर्किंग फोर से 125.38। तो ये तीन फिगर्स इनकॉर्पोरेट हो गई। तो अब टोटल्स की तरफ चलते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हमारा टोटल बनेगा 736.9, नॉन करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं 826.3, स्टॉक इन ट्रेड का टोटल 235, ट्रेड रिसीवेबल का टोटल करते हैं दैट इज आल्सो 235 और कैश एंड बैंक का है 238। तो करंट एसेट्स का सब टोटल आ जाएगा हमारे पास 708, इसके अंदर नॉन करंट एसेट्स ऐड करते हैं 1534.3 टोटल एसेट्स की वैल्यू। इक्विटी का टोटल कर लेंगे दैट इज 1314.3, करंट लाइबिलिटीज में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो इसको क्लोज कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं 220 और इक्विटी के साथ इसको जब ऐड करेंगे तो टोटल 1534.3, तो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टैली हो जाती है। अब स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम को कंक्लूड करते हैं। तो रेवेन्यू की फिगर हम ये जो हमने प्लस माइनस किया इसकी बेस पर 1201.8 आती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का टोटल कर लेते हैं 734, जिसका मतलब है कि ग्रॉस प्रॉफिट 467.8 होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में टिपिकली ये तो 20 माइनस 20 प्लस 20 अलग से, बाकी एडजस्टमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड 185 की वैल्यू बनती है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ जाएगा 282.9, टैक्स आ जाएगा 97 और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 185.9। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हमने एट्रीब्यूट करना होता है
दो हिस्सों में, ऑनर्स ऑफ पेरेंट और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो उसके लिए हम एनसीआई शेयर की कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको जस्ट फाइनलाइज कर लेते हैं। तो द टोटल इज 59.9। ये बेसिकली वही प्रॉफिट आ रहा है जो हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है, क्योंकि इसमें हमारा 1 ईयर से कम टाइम हुआ था सब्सिडियरी को लिए हुए। तो अप टू 1 ईयर तक का टाइम भी हो तो आपका जो पोस्ट एक्विजिशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में आ रहा होगा, और यहाँ पर जो आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे सब्सिडियरी का, वो सेम होगा। तो ये वर्किंग एक्स्ट्रा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बाद क्वेश्चन किसी एक स्टेटमेंट को बनाने का भी आ जाता है तो आप तब भी डील कर सकें, वरना इस वर्किंग को अवॉइड करके भी कैलकुलेशन की जा सकती थी। तो आफ्टर एडजस्टमेंट जो प्रॉफिट है 59.9% है, एनसीआई का शेयर जो है वो 20% है, विच मीन्स के अमाउंट बनेगी 11.98। तो टोटल जो प्रॉफिट है हमारे पास दैट इज 185.9, उसमें से 11.98 जो है वो एनसीआई का है, तो बाकी ऑनर ऑफ पेरेंट्स का है। तो टोटल में से 11.98 निकाल दें, 173.92। तो इस तरह से हमारा जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल भी निकल आएगा और एनसीआई का शेयर भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो फाइनल प्रॉफिट भी है आ गया, उसकी एनसीआई और ऑनर ऑफ पेरेंट में एट्रीब्यूशन भी हो गई। सो दैट वॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। दैट्स ऑल फॉर टूडे, हैव अ गुड डे।